So hello friends, once again back my YouTube channel Ashoka English Study. As you know guys, every day we learn an advanced English structure. So today we will learn an advanced English structure. Before understanding this structure, if you are new viewer, if you are not subscriber in this channel, so you have to subscribe this channel for improving your speaking English. So let's understand today's the structure here. आइए समझते हैं आज का advanced English structure क्या है. तो गाइस जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ऐसे में मैं कहाँ जाए, ऐसे में मैं कहाँ जाऊंगा, इस तरीके से ऐसे में वह क्या करेगा, ऐसे में मैं आपको क्या करूंगा, क्या करूं, ऐसे में मैं आपको क्या करूं, ऐसे में तुम उसे कुछ नहीं बोलना, ऐसे में ऐसे सिचुएशन में या ऐसे में तुम उसको कुछ नहीं बोलना, ऐसे में कोई नहीं मदद करेगा, ऐसे में कोई नहीं मदद करेगा, ऐसे में कोई कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस हिंदी में सुने और हिंदी में सीखे, हिंदी में देखें. तो आइए समझते इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे. तो गाइज ऐसे में के अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इन ए सच इन सिचुएशन, बोलेंगे इन सच ए सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन. दूसरे तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इन दिस सिचुएशन, इस तरीके से बोलेंगे इन दिस सिचुएशन या इन सच ए सिचुएशन. तो दो में से किसी को यूज करना. आइए समझते हैं ऐसे में मैं कहां जाए या मैं ऐसे में कहां जाऊंगा, इस तरीके बोलेंगे वेयर सेल आई गो इन सच सिचुएशन, सच ए सिचुएशन, सच ए सिचुएशन. तो ऐसे में मैं कहां जाए या ऐसे में मैं कहां जाऊंगा, तो बोलेंगे वेयर सेल आई गो इन सच ए सिचुएशन. नेक्स्ट है ऐसे में वह क्या करेगा, ऐसे में वह क्या करेगा, तो बोलेंगे इन दिस सिचुएशन व्हाट विल ही डू. आप इन दिस सिचुएशन को लास्ट में लिख सकते हैं, आगे भी बोल सकते हैं, लास्ट में भी बोल सकते हैं. आगे में लिखेंगे तो आगे में बोले या लिखेंगे तो कोमा लगा के आगे वाले सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, कोमा लगा के ही आगे वाले सेंटेंस बोलेंगे. इन दिस सिचुएशन व्हाट विल ही डू. नेक्स्ट है ऐसे में मैं आपको क्या करूं या क्या करूंगा, तो बोलेंगे इन सच ए सिचुएशंस, इन सच ए सिचुएशन कोमा व्हाट शैल आई डू फॉर यू. नेक्स्ट है ऐसे में तुम उसे कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं बोलना, तो बोलेंगे यू हैव टू स्पीक हिम नथिंग इन सच ए सिचुएशन. नेक्स्ट है ऐसे में कोई नहीं मदद करेगा, अंग्रेजी में बोलेंगे ऐसे में कोई नहीं का बोलते हैं नो वन, बोलेंगे ऐसे में तो बोलेंगे यहाँ पे नो वन विल हेल्प इन सच ए सिचुएशन, इन सच ए सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन. इस तरीके से आज हम लोग ये सीखे. आप लोग के लिए के सेंटेंस है ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सेंटेंस आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. आगे हम लोग नए स्ट्रक्चर के साथ मिलेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और न्यू व्यूअर तो सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहेंगे. थैंक यू गाइस.